गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा सुबह सुबह, अभी टाइम हो रहा है 8:30 एंड हम हमारी चाय पी रहे हैं। ओके, पर आज चाय में थोड़ी स्पेशल है, चाय है थोड़ी मलाई वाली। ओके, एंड चाय के साथ है सम जो मुंह फ्रेश करेंगे, लाइक व्हाट इसको क्या बोलते हैं, चिवड़ा। ये नमकीन है एक्चुअली, और इसका आइटम पता नहीं बोलते क्या है, पर और हनु के नॉर्मल चाय और मेरे मले वाली चाय। तो गाइस फिलहाल चाय पीता हूँ एंड फिर निकलता हूँ बाहर, गाड़ी की चाबी लेता हूँ और बताता हूँ कि आज पूरा बता दूंगा, मतलब कि मुझे इसमें करवाना क्या है काम और क्या क्या हो चुका है ना। मोस्टली काम हो चुका है, मैंने वैसे रात को देख लिया था गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि जो उत्सुकता रहती ना, एक्साइटमेंट, वो नहीं रही, रुकी जाती। तो गया नीचे चाबी लेके और एक बार तो चेक करके आ गया था, है ना। सो या अभी फिलहाल नीचे जाता हूँ एंड फिर बताता हूँ क्या क्या हुआ, है ना। फिलहाल चाय पीता हूँ मैं, मलाई वाली चाय, मज़ा ही अलग है इसका। अभी 2-3 दिन से मलाई वाली चाय पी रहा हूँ मैं, अच्छी लगती है। सो हाल अभी आया हूँ मैं नीचे, गाड़ी लेके हम जा रहे हैं घूमने के लिए रानी रोड, मैं और रानू, ठीक है। रानी रोड जाने के बाद मैं बताऊँगा आपको कि क्या क्या काम इस पर हमने डन हो चुका है, क्या कराया है ना। कोई बात नहीं, सो या फिलहाल चलते हैं रानी रोड। हाय एवरीवन, सो गाइस वी आर एट रानी रोड राइट नाउ। रानी रोड आया हूँ मैं अपनी ब्यूटी को लेके, पर पहले मैं रानी रोड का व्यू नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। ये रानी रोड है, वो तो हमारी गाड़ी खड़ी, वहनु आ रहे हैं एंड दिस इज़ माय फेवरेट लोकेशन एक्चुअली रानी रोड पे। एंड या एंड दिस इज द लेक, फतेह सागर लेक उदयपुर। अभी तो पानी खाली हो गया है काफ़ी, बाकी जब लेक फुल होती है तो पानी ऊपर तक आता है, इसके टच होता है। और वो प्यारी प्यारी से डक्स चल रही है अंदर, सॉरी तैर रही है, चल नहीं रही है, ये एक आलसी कुत्ता है, काई वो जम रही है इसके अंदर। एंड दिस इज द व्यू, एंटायरली व्यू ऑफ द लेक फतेह सागर। अभी तो फिलहाल मैं वापस गाड़ी में आ गया हूँ, अभी थोड़ा सा हम और आगे एक अच्छी लोकेशन है वहाँ पे जा रहे हैं, फिर जाके शूट कर।
तो गाइस आगे हूँ मैं एक लोकेशन पे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर मुझे अभी और क्या क्या काम करवाना है, ठीक है। अभी दो काम मुझे और करवाना है गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर ये काम है कि एक तो ये जो छत है ये थोड़ी सी लूज़ है, तो इसको मैं पूरी फिक्स कराऊंगा पूरी चिपका के। ये लाइट है और ये लाइट है, ये थोड़ी सी लूज़ हो रही है, तो इसको ये छत जब हो जाएगी पूरी तो ये पूरी फिक्स हो जाएगी इसके अंदर, है ना। एंड फिर एक तो ये सनवाइज़र हमने निकाल रखा है, ये लूज़ पड़ गया था, लटक गया था एने की, तो इन दोनों को नए डलाऊंगा मैं, फिक्स कराएंगे। सो अभी तो ये दो काम बाकी है इसके अंदर करने। अभी मैं बताता हूँ हमने क्या क्या काम करवाया इस गाड़ी के अंदर, है ना। सो गाइस स्टार्टिंग होती है फर्स्ट काम से। तो फर्स्ट काम ये था कि इस गाड़ी का एक तो मैंने सारी जो ग्लासेस है वो टिंटेड कराई है, मैं आपको बताऊँगा अभी बाहर से, है ना। एक था कि इसका सेंट्रल लॉक का इशू आ रहा था पीछे वाले गेट का और इस गेट का आगे वाले, ठीक है। सो वो रिसॉल्व कराए आगे वाला गेट का हो गया, पीछे वाले का वो बोल रहे हैं कि जो अंदर एक मोटर आती है जो जिससे वो लॉक अनलॉक होता है तो वो ख़राब है, तो उसके मैंने मोटर चेक की थी यहाँ ऑफलाइन, मतलब मार्केट में ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ इजीली मिलती नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, वो कुछ 3000 समथिंग की आ रही है, तो वो मैं मंगवाऊँगा ताकि वो ये रिजॉल्व हो जाएगा। एक था कि इसका यहाँ से पावर विंडो जो है ये दोनों इसकी मोटर जिससे ये नीचे होते हैं वो कुछ इशू हो रहा था, तो वो रिजॉल्व हो चुका है। एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग टाइम से क्या है कि जो खुलते नहीं ना तो अंदर वो कुछ कार्बन वार्बन जम गया था वो बोल रहे हैं, तो उससे उन्होंने उसको क्लीन कर दिया, इसको रेडी कर दिया है। एक ये था कि ये जो लाइट्स है ये ऑन ऑफ नहीं हो रही थी जस्ट बिकॉज कि ख़राब हो गई थी अंदर की, तो मैंने भी चेक नहीं किया था, तो ये लाइट्स फिर रिप्लेस किए दोनों, है ना। इसके अंदर एक मतलब ऑरेंज जो लट्टू वाली लाइट आती ना येलो उस टाइप की आती थी, इसके अंदर वो वाइट लाइट्स जो लगवाई LED की, तो वो काफ़ी अच्छी रहती है, उजाला काफ़ी अच्छा रहता है उसका। सो ये कुछ काम हमने कल करवाया था, है ना। ज़्यादा कुछ काम है नहीं इस गाड़ी के अंदर, इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चलती है, सब कुछ बहुत बेटर है, बस यही है कि अब ये दो चीज़ें और हमें चेंज करानी है और उसके अलावा कुछ नहीं। एंड मैंने स्टीरियो चेंज कराने का सोच रहा था पर वो नहीं करूँगा, इसको ओरिजिनली रखूँगा। एक मैंने इसका देखा है कि एक आता है ब्लूटूथ कन्वर्टर, इसके अंदर ब्लूटूथ है पर वो मेरे नहीं हो रहा इससे पेयर फोन से आईफोन से, तो एक ब्लूटूथ कन्वर्टर आता है वो मैं लगवा दूंगा इसके अंदर, जिससे कि मेरे फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, देन मैं गाने वाने इजीली चला सकता हूँ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसके अंदर अब करवानी है, और ये चीज़ कुछ जो है वो रिसॉल्व हो चुकी है इसके अंदर, ऐसा कुछ है ना। सो बाहर से बताता हूँ मैं आपको। गाइस ये है लोकेशन हाल फिलहाल रानी रोड पे जहाँ मैं आया हूँ, जो पहले मैं ज़्यादा यहाँ पे बैठता था, है ना। सो बाहर से गाड़ी जो पुरानी है वैसी की वैसी है, बट जो चेंजेस हुआ है वो ये कि एक तो मैंने ये लगवाया इसके ऊपर विंड, इसके ऊपर टिंटेड ग्लास का, जस्ट बिकॉज अभी जब मैं नानसा से गाड़ी लेके आया था तो मुझे फील हुआ था कि लाइक ये जो कांच है थोड़ा ऊपर तक है, थोड़ा ऊपर बड़ा है, तो इससे क्या होता है कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ या कुछ जो अगर मैं सनवाइज़र भी इसमें नीचे कर रहा हूँ फिर भी मेरे मतलब धूप छुपती है, तो मैंने इसके ऊपर ये करा दिया टिंटेड ताकि धूप का इफेक्ट नहीं होगा, है ना। और इसके अलावा फिर सारे ग्लासेस ये वाला ये ग्लास पूरा पीछे का एंड ये पूरा, सो इन सभी ग्लास को मैंने टिंटेड करवा दिया, मतलब ग्रीन लाइट के अंदर हल्का सा, जिससे ज़्यादा गाड़ी गर्म ना हो एंड ठंडी रहे, दैट्स व्हाई मैंने इसका यूज़ किया है। ये ब्लैक वाली नहीं है, ये हल्की सी लाइट ग्रीन की है, तो इसमें ये मतलब कहते हैं ना वो गवर्नमेंट वाली जो होता है लफड़ा चलान वालन का वो उसमें होगा नहीं, जस्ट बिकॉज इसमें क्लियर दिखता है अंदर बाहर से सब कुछ, वो काली वाली नहीं है जिससे जेट ब्लैक नहीं कर रही है जिससे दिखे ना, है ना। और एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ करानी है, मैंने कल वो भैया से पूछा था कि ये मिलेगा या मिलेगा, तो वो बोल रहे मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं जुगाड़ करा दूँगा मैं। ये जो है इसके यहाँ का एक कवर आता लट्टू का उस साइड है, अगर इस साइड ये करवाना है। आफ्टर ऑल द कार पूरी सही है, बस ये कुछ चीज़ें है अभी, दो तीन चीज़ें वो मैं करवा दूंगा अभी मैं, एंड आफ्टर दैट नो इशू। ओके सो या रानी रोड घूमते हैं फिर चलते घर पे। खुशी है मैक्स आए देख, ये खुशी के पीछे पड़ लेगा अभी जोर से, खुशी मैक्स 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 खुशी है री, ये आया 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 खुशी है री, खुशी है री, खुशी है मेल से प्याल निकलेगी, ले जा मेरे पास आ जा देख, तो मेरे पास आ जाएगी तो ये कुछ नहीं करेगा, इधर वो गया उधर ऐसे भी।
वन दादा के पास गया। आओ ना, आओ ना। So आ गए हैं रानी रानी रोड से। आज मुझे वैसे आफ्टरनून नहीं जाना ड्यूटी, सो अभी स्नान करके रेडी हो जाता हूँ मैं, है ना। अंदर अब वो अंदर आ रहा है। सो गाइज मैंने एक्चुअली स्नान तो कर लिया था अभी 11 बजे, अभी टाइम लाइक 12 बज रही है, 11:30-12 बज रही, मैंने टाइम देखा नहीं उसे। सो मैंने अभी ऑफिस बाहर गया था तो उसे चेक कराया था कि मुझे इसके अंदर गाड़ी के अंदर एक और वो पहले था कि एक लगवानी थी, क्या बोलता उसको, LED स्क्रीन वगैरह कुछ एंड्रॉयड के लिए, बट अब मैं नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि इसका साउंड वैसे बहुत सॉलिड है और एंड्रॉयड की ज़रूरत नहीं, मुझे खाली म्यूज़िक कनेक्ट करने के लिए चाहिए। तो इस गाड़ी के अंदर जो ब्लूटूथ है वो मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहा है, सो उस भैया ने सजेशन दिया है एक ब्लूटूथ कन्वर्टर का, और उसके पास भी था बट वो कनेक्ट नहीं हुआ था। एक है स्मार्ट ब्लूटूथ कनेक्टर करके आता है, तो वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, वो 2 दिन में, गुरुवार बता रहा है एक्चुअली, गुरुवार को आ जाएगा। सो देखता हूँ अगर वो कनेक्ट हो जाएगा आई होप सो, क्योंकि उसकी एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी जिससे कोई बंदा था जो इसी गाड़ी को उस कन्वर्टर से कनेक्ट कर रहा था, तो वो हो चुका था। सो मैंने मंगाया है, इसके अंदर लगेगा एंड मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा कि कैसे क्या होता है, है ना। एक वीडियो उस पर ही नहीं बताई बनाई थी, एक मैं भी बना दूंगा। सो या हाल फिलहाल अभी खाना खाता हूँ एंड फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ, चेंज वेंज करके स्नान तो कर लिया था मैंने। सो अभी खाने में है, रात को मटन था एंड अभी बाटी बनी है तो मीट बाटी खाते हैं।